वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सुषमा। क्या हो रहा है आप लोगों का? कुछ ना कुछ तो भाई सबका हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो सारे का आराम हो रहा होगा। अभी पता है मैंने अभी भी इंस्टा पे अपनी एक मैसेज देखी। वो मैसेज थी कि हमारा जो ग्रुप था जिसका नाम था लस्ट ग्रुप टुगेदर, अभी भाई हमारे जो ग्रुप की करता धरता है मोनिका जी, उसमें क्या फंडा हुआ है। किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स उसमें होने लगी, किसी को क्या हम लोगों को भी होने लगी है। उसमें जितने लोग जुड़े थे हम लोगों ने समझा था कि वो एक फैमिली है, बट वहाँ पर वो लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने चीटिंग थोड़ी सी करने स्टार्ट कर दी। तो भाई मोनिका जी को इस चीज़ों से होने लगी प्रॉब्लम, और उस ग्रुप की थी एक टाइमिंग। मोनिका जी को ही नहीं, हम सभी को प्रॉब्लम होने लगी। मैं स्पेशली मोनिका जी को इन्वॉल्व नहीं करूँगी इसमें। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा था, हम लोग थोड़े कन्फ्यूजन में दूसरे से अटैच थे। तो उस ग्रुप का एक जो इंटरेस्टिंग मोनिका जी ने टाइटल चेंज कर दिया, जिसे देख के मैं तो वैसे हॉ वाली हो गई थी। तो उसका चेंज उन्होंने करके नाम अभी रख दिया है, नामकरण उन्होंने कर दिया है आओ बहन चुगली कर। तो भाई उसमें भाई तो हमारे वैसे भी नहीं थे, एक आध दो अगर होंगे तो होंगे, मुझे नहीं पता था है या था भी नहीं। तो अभी जितनी बहनें हैं जो मेरे अभी वीडियो को देख रही हैं, तो आप इस ग्रुप से में जितने लोग हैं वो लोग जम जम की चुगली कर लेना, अपने मन की भड़ास निकालना। मैंने तो भाई ऐसा कहा ऑडियो मैसेज, तो मज़ा आएगा। ये भी चुगली ही करो तो प्यार से करो, मतलब दिल खोल के करो। बकबक अब बकबक नहीं करते हैं और आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ से। तो आज मेरे पास जो है ना वो है कुछ यूनिक सा, शायद आप लोगों के पास घर में ये अवेलेबल होगा या किसी के पास नहीं होगा। किसी के तो बच्चे भी खेलते होंगे भाई, कुछ लोग हम जैसे हैं जो अभी भी बच्चे की। तो मैंने एक पहले एक ख़रीदा था माइक, जो मुझे बहुत अच्छे से रिसीव हुआ था, क्वालिटी भी इशू भी उसमें बिल्कुल कुछ नहीं थी। और अभी मैंने नया एक माइक मंगाया है जो कि फ्लिपकार्ट से। तो आइए मैं उसका आपको रिव्यू देती हूँ। अगर आपको भी गाना गाना अच्छा लगता है, तो मैं तो वैसे प्रोफेशनली भी गाती हूँ एंड मैंने क्लासिकल भी सीखा है, बट अगर आप शौक से भी गाना चाहते हो तो भी आप उस माइक का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने ये माइक परचेस किया है जो कि फ्लिपकार्ट से मुझे ऐसे रिसीव हुआ है। तो चलिए अभी देखते हैं इसको कैसा मुझे अंदर रिसीव हुआ है, क्योंकि मुझे अंदर क्वालिटी वगैरह कैसे रिसीव हुई। ओके, पहले ये इस प्लास्टिक में ये कर्टन मुझे कुछ बबल रैप टाइप का रैपिंग रैप करा हुआ था, और ये है वो माइक, वो प्रोडक्ट। मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, बट मैंने इतना पटका है कि वो टूट गया। मैं उसका भी साइड में मैं फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख लेना। अभी वो मैं बस गाना सुनने के लिए उसमें रखती हूँ। तो इस माइक से पर्सनली क्या होता है कि वो ब्लूटूथ वाला जो माइक है उसमें आप गाना सुन भी सकते हो और गाना गा भी सकते हो। तो अभी वो सिर्फ हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मैं इंस्टा पे आई थी लाइव, मैंने सोचा लोग इंस्टा पे लाइव आई हूँ एक क्रॉकी के साथ विथ म्यूज़िक, तो मैं गाना सुना देती हूँ। जब मैंने जिन्होंने बजाया, अब मैं सोच रही हूँ गा रही हूँ मुझे, अरे ये तो ऑलरेडी डैमेज है, मैं तो इसमें गाऊँगी तो आवाज़ ही नहीं आएगा। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा, तो मैंने फटाफट से एक माइक कर दिया ऑर्डर, और अब माइक मुझे रिसीव हुआ है। तो बताती हूँ मुझे इसमें क्या कैसा रिसीव है। तो ये है, सबसे पहले बता दूँ, ये है वायरलेस माइक्रोफोन हाई फाई स्पीकर जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। साइड में इन्होंने दिया है इसकी फीचर्स में क्या क्या है, FM रेडियो है, सिंग अ सॉन्ग है, सिंग सॉन्ग्स, सेल्फी में का फंडा मेरे भेजे में नहीं घुसा, USB डिवाइस है, TF कार्ड है एंड रिकॉर्ड सॉन्ग है। तो आप इसमें जो रिकॉर्ड सॉरी जो गाओगे वो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ओके, एंड जो सेकेंडरी इन्होंने इसका कलर का ये दिया था, तो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है ये ब्लैक इन्होंने दिया हुआ है, और ये है मेड इन चाइना। भाई अभी इंडिया वालों ने सस्ते में कुछ खास बनाया नहीं, कभी कभी कोई कोई चीज़ तो हमें चाइना के यूज़ करनी ही पड़ जाती है। अब हम इसे करते हैं ओपन, एंड इसके अंदर ये बहुत सेफली आया था जो मुझे दिख के रहा है, ये इसके अंदर कुछ ऐसा है। इसके अंदर उन्होंने मुझे दिया है माइक, तो ये है वो माइक हो गया। हेलो, ऐसे करेंगे आवाज़ नहीं आएगी। हेलो, ये इन्होंने आपको सिस्टम दे दिया है। एक इसमें मुझे एक आती है इको, तो वो इको एंड बेस वाला जो होता है वो गाने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। इसमें उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं दिया है, और जो मैं मेरा पुराना माइक है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा वो पुराना माइक, अब देखो ये आगे से ख़त्म हो गया बिल्कुल, मेरे गाने के लायक ये बचा ही नहीं है। मगर इसमें ये मेरा ब्लूटूथ था, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ट्रेबल बास, ये दो जो बटन दिए हैं ना, ये दो चीज़ जो है बेस्ट, ये मेरा दोनों ऑलरेडी आया ही था मुझे ख़त्म, बस इससे मुझे कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई। तीन बटन मेरा यहाँ काम करता था, ये था एक वॉल्यूम इको एंड सॉरी वॉल्यूम म्यूज़िक एंड इको। तो ये इको कम है हमारी आवाज़ क्वालिटी को, थोड़ी सी उसमें इको पावर डालने से क्या होती है वो थोड़ी सी गूंजती है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। तो एक चीज़ में ये अच्छी थी, दूसरी ये इन्होंने यहाँ पर म्यूज़िक है, इसे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो।
और ये जो फर्स्ट है ये वॉल्यूम, ये अपने आवाज़ की वॉल्यूम को, ये हो गया जब आप म्यूज़िक बजाते हो ये अपनी म्यूज़िक की वॉल्यूम करती है, और ये जो आप बोलते हो उसे ये सही करती थी, या कम रखना है या ज़्यादा रखना है, इसके अकॉर्डिंग इसमें हमें वैसा कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। जबकि ये दोनों फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा था, एंड सर ये मुझे कुछ 602 रुपये का घर पे आके पड़ा था, और ये मुझे पड़ा है 494 रुपीज़ की। ये भी कुछ ऑफ़र में चल रही थी, सोल्ड आउट भी हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है अभी के टाइम पे। तो इसमें मुझे ये सब चीज़ें तो सबसे पहले डिसअपॉइंटिंग लगी, और दूसरी कि ये ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं हो रही है इसकी इसकी आई डोंट नो किसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्लूटूथ भी इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। और अभी जब भी आप इसमें गाते हो तो स्कैनिंग वगैरह इससे हमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रेव वगैरह ये है कि आप अगर गाना बजा रहे हो तो इसे नेक्स्ट कर सकते हो, उसे प्रेव कर सकते हो। उसके बाद ये है वॉल्यूम प्लस, ये है स्कैनिंग, आई डोंट नो कि स्कैनिंग क्या, ये मेरे पल्ले में नहीं है। अभी रिकॉर्ड बटन पे आते हैं, इन्होंने और एक दिया है माइक वॉल्यूम, इन्होंने भी वो चीज़ दिया है। हेलो हेलो वेट मैं इसे ऑन करती हूँ। हेलो हेलो ब्लूटूथ बोल रहा है ना, बट ये ब्लूटूथ ऑन ले नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे आवाज़ को वॉल्यूम को करेगी कंट्रोल, कंट्रोल समझ में आया। मैंने इतने अच्छे से आपको डिटेल में दिया, आई एम श्योर कि अगर आप ये माइक परचेस करते हो तो आप इसके फीचर्स को सही तरीके से समझ लोगे। ये आपके बच्चों को भी काम आ सकता है, अगर आप हाई हेलो करते हो, अगर आप गाना गाना चाहते हो तो इसमें इधर इधर USB कनेक्ट कर सकते हो। तो इधर ये आप USB कनेक्ट करो, ये इधर आपका चार्जिंग के लिए, ये इधर आपका माइक वगैरह लगाने के लिए, एंड ये TF आई थिंक ये जो TF क्या होता है वो कुछ कार्ड होता है ना, वो उसमें लगता है सर, TF कुछ कार्ड होता है जो मैं जानती हूँ, अगर आपको कुछ और पता है तो मुझे बताना। और इन्होंने यहाँ पर ब्लूटूथ बोला है बट हमें कहीं पे भी इन्होंने ब्लूटूथ का जिक्र नहीं दिया है, इधर कहीं पर भी प्रिंट नहीं है, बस है वायरलेस माइक्रोफोन। आवाज़ क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप इसे वीडियो बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्चर कर ले रही है, यहाँ से भी आवाज़ कैप्चर कर रही थी। तो अगर आप इसमें USB के साथ कनेक्ट करते हो तो फिर आप गाने में ये सही होएगा, आप इसमें गा सकते हो। मगर आप भी ब्लूटूथ चाहते हो, और अगर ब्लूटूथ से हमारे लिए इजी होता है ना, तो वैसे टाइम पे आप मैं आपको पर्सनली, अगर आप गाना गाना चाहते हो, अगर आप यूं ही बस गाना चाहते हो तो फिर आप इसे परचेस करो, बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल गाना चाहते हो तो मैं इसे रिकमेंड उतने हाईली रिकमेंड मैं नहीं करूँगी। ठीक ठाक है, आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह गाना चाहते हो तो फिर ये माइक मुझे सही नहीं लगा। तो मैं आपको, अगर आप प्रोफेशनल की जैसे मैं, जैसे कि मैं कुछ काम करती हूँ तो उस टाइप का अगर आप करते हो तो ये फिर सही नहीं है। सो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी इससे, सो तो देखते हैं क्या होता है, मैं ऐसे क्या करती हूँ इसका। थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया इसके, अगर ये ब्लूटूथ होता तो फिर मैं ऐसे यूज़ करने मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं थी, बट ब्लूटूथ भी नहीं है और कुछ कुछ साउंड क्वालिटी भी मुझे इसकी कुछ सही नहीं लगी, तो इसलिए मतलब ना साउंड सॉफ्ट क्वालिटी सॉफ्टिंग करेंगे नॉर्मली सही है और नॉर्मल बेस पे। तो या फिर आप गाना बजाने के लिए तो इसमें USB कनेक्ट करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एंड साथ में मैं इसकी जो मेरे पुराने वाले माइक की थी उसकी पिक्चर एंड इस माइक की भी पिक्चर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, पहले ही मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना आपको कौन सा माइक सही लगा। ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आप भी माइक के लवर हो, आपको भी गाना गाना पसंद हो, तो आपके पास एक माइक ऐसी होनी चाहिए जो मैं रिकमेंड करूँगी। बट अगर आप एवा ही गाना चाहते हो तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरा, आप गा नहीं सकते। मैं बस गाना सुना देती हूँ, ओके, छोटू सा गाना। मिले तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब वो नहीं रही। सदा रहना दिल करीब हो के चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड कोरोना के केसेस ना बढ़ नहीं रहे, सॉरी घट नहीं रहे, तो ना अपने एहतियात को बिल्कुल बरतिए, आप बिल्कुल भी ढील सील मत करिए गाइस।
अपने घर में रहिए, सेफली रहिए। एंड मेरा तो ये घर में रहिए सेफली रहिए वाला तो मेरा अभी तकिया कलाम बन गया जब से कोरोना वाला केस हुआ है। तो तब के लिए बाय बाय गाइस, घर में रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए।